ज़ीशान, मैं तैयार हूँ। और मैंने ना अपनी शादी का सारा जेवर और कुछ रकम भी साथ में रख ली है। ज़ीशान, ये जेवर जो है ना, अम्मी जान ने ना मेरी शादी के लिए बनवाया था। देखो फातिमा, मैं उस घर से कोई चीज़ चुराना नहीं चाहता सिवाय तुम्हारे, और तुम्हें भी मैं चोरी करके नहीं अपने दिल से लेके जा रहा हूँ। तुम ये बताओ कि कब पहुँचोगे? मैं बस अभी निकल रहा हूँ। तो ठीक है ज़ीशान, मैं बाहर आके ना तुम्हें मिस कॉल देती हूँ। ज़ीशान, वो बहुत ख्याल रखना, वो वक्त बहुत कम होगा हमारे पास। तुझसे एक जरूरी बात करनी है। जी बीजान, हुकुम। फातिमा को तो अपने किए की सजा मिल चुकी है। जी बीजान, बदनामी और रुसवाई का जो कलंक उसने हमारे माथे पे लगाया था, उसके बाद इस घर में उसके लिए कोई जगह नहीं बनी। फातिमा के साथ जो होना था वो हो चुका है। हमें उजान की शादी के बारे में सोचना चाहिए। आप बजा फरमा रही हैं बेचारे। मलकरबाज, क्या ख्याल है तेरा? उजान की शादी आयजा से की जाए या दिलावेज से? आप क्या कहती हैं बेचारे, उजान की शादी किससे करनी चाहिए? अगर दिलावेज से शादी हो तो अच्छा है, और अगर आयजा से शादी हो तो बहुत अच्छा है। जी हाँ बीजान, मेरा भी झुकाव ज्यादातर आयजा की तरफ। तू चंगी तरह सोच ले, फिर बताना मुझे। जी बेहतर बीजान, ज्यादा अच्छा। हेलो। अस्सलाम वालेकुम अंकल। हाँ ऐसा बेटी, कैसी हो? ठीक हूँ मैं। बस ठीक हूँ। इसका मतलब है कि कोई परेशानी की बात है? है तो परेशानी की बात। क्या हो गया बेटा बताओ? अंकल मैंने आपको ज़ीशान के बारे में बताया था ना? हाँ, वो जो फातिमा का साबका मंगेतर था उसकी बात कर रहे हो? जी अंकल वही। उसने मेरी बहुत मदद की है, बहुत एहसान आते हैं उसके मुझ पर। अब वक्त आ गया है कि मैं उसका बदला चुका दूं। अच्छा अच्छा अच्छा, बताओ क्या करना चाहती हो तुम, किस तरह की मदद करना चाहती हो? अंकल ज़ीशान को पुलिस ने गिरफ्तार करके रखा हुआ है। अच्छा, किस जुर्म में? वो बात ये है कि फातिमा और ज़ीशान भागने की कोशिश कर रहे थे और चाचा जान ने उनको देख लिया। अब ज़ीशान तो पुलिस की गिरफ्त में है, हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा अब। हाँ हाँ ठीक है, बात है। क्या आप उसकी मदद कर सकते हैं? हाँ क्यों नहीं, मैं अभी अपने दोस्त वकील से बात कर लेता हूँ, वो इंशाल्लाह ये काम हो जाएगा। मैंने आपको परेशान ही कर दिया है। अरे नहीं बेटा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, मैं अभी अपने दोस्त से बात कर लेता हूँ फिर अपडेट देता हूँ। ठीक है? ठीक है अंकल, मैं आपकी कॉल का इंतजार करूंगी। अल्लाह हाफिज़।
ना बेचारी फातिमा तो अपनी खानदानी रिवायत की भेंट चढ़ गई। अम्मा इस घर में ना सबसे बड़ी रुकावट बीजान है, उनकी इजाजत के बगैर कुछ नहीं होता। ना मैं तो कहती हूँ उनको इस उम्र में अल्लाह अल्लाह करनी चाहिए, क्या हर वक्त बैठ के हुक्का पीती रहती हैं। अम्मी जान भी ना फातिमा की मौत के सदमे से अभी तक बाहर नहीं निकली, हर टाइम रोती रहती हैं। लेकिन दिलावेस तू सब बातें छोड़, तू औजान से पूछ ना कि वो शादी कब करेगा। अम्मा अभी थोड़ा और इंतजार कर लेती हूँ ना। इस इंतजार में ना कहीं तू हाथ मलती ना रह जाना। हम अब वक्त निकल जाए मुझे इतनी परवाह नहीं, लेकिन मुझे इतना यकीन है कि औजान मेरे हाथ से नहीं निकलेगा। अल्लाह करे जो तू सोच रही है वैसा ही हो। अल्लाह ताला भी अपने बंदे को वो अता करता है जिसका वो गुमान रखता हो। अरे मैं तो बातों बातों में पूछना ही भूल गई, कशान कहाँ है? वो कशान को शाजमा लेके गई है बीजान के पास। हमने सोचा है शनाज के औजान की शादी कर दी जाए, मेरा और बीजान का भी यही ख्याल है कि आयजा को उसकी दुल्हन बना दी जाए। तू क्या कहती? कि मेरे कहन तो तुसी अपना फैसला बदल दोगे। तुझे कोई इतराज है तो बता। हो मैं ते चाहनिया औजान दी शादी दिलावेज ना लो, ताकि साड़ा काशान साड़े कोल ही रवे, वरना दिलावेज काशान नू साड़े तो बहुत दूर कर देगी। पागल हो गई है, वो हमारा खून है, कोई नहीं जुदा कर सकता हमसे उसको। आयजा को बांधना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो यहां से चली गई तो शहबाज की सारी दौलत से हमें हाथ धोना पड़ेगा। क्या हुआ औजान? कुछ नहीं। फातिमा को याद कर रहे हो? कुछ यादें ऐसी होती हैं जिन्हें आप जितना भी भुलाना चाहें भुला नहीं सकते, और मेरे पास इन टूटी हुई यादों के अलावा और कुछ भी नहीं है। यादें सच में बहुत वफादार होती हैं, पीछा ही नहीं छोड़ती। वफा मिलती नहीं है, नायाब जो हो गई। खैर छोड़ो इन बातों को, तुम बताओ कैसी हो? ठीक हो आयजा? तुम काफी दिनों से मुझे अवॉइड कर रही हो। ऐसा तो कुछ नहीं है। तो तुम कहना चाह रही हो कि मुझे गलत महसूस हुआ? देखो आयजा, तुम मुझे अवॉइड कर रही हो और ये बात तुम खुद भी जानती हो। अवॉइड तो तुम भी मुझे कर रहे हो आजान, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा है, ना तुम ना हालात। मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ, हमारे बीच फासले क्यों बढ़ गए, शायद तुम ही मुझे बता सकते हो। अब औजान तुम यहां बैठे हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूं। चलो उठो, मुझे बहुत जरूरी काम है तुम्हारे साथ, मेरे साथ आओ जरा।
आओ, बहुत जरूरी काम है, आओ जल्दी। अरे आ जाओ। हाँ मैं। अजान चलो मेरी। जान बैठ जा। मलकरबाज जी भी जान, फिर क्या सोचा है तूने? जान हम आपका हुक्म कैसे टाल सकते हैं? आपने आयशा और अजान की शादी के बारे में सोचा है, हम उसकी हुक्म अदौली कैसे कर सकते हैं? शहनाज सुन लिया तूने? अरबाज तू ओजान और आयजा को मेरा फैसला सुना दे। बीजान एक बात करने की इजाजत चाहता हूं। क्या बात है? राजदा को कौन संभालेगा? वो शोर तो करेगी, मैं देख लूंगी उसे। आज फातिमा भी होंगी ते अपने भरा की शादी च कितना खुश होंगी। तो छोड़ इस बात को। जान आपने उस वक्त राजदा का मुंह बंद करने के लिए दिलावेद और रजान की शादी के लिए हामी भर ली थी। वो उस वक्त की बात थी, अब वक्त बदल चुका है। बेटियां नाल ते कार च रौनक होंदी है, ते हुण ते मेरा पोता भी मेरे कोल नहीं रहेगा। हल निकाल लूंगी मैं इसका कुछ ना कुछ। मलकरबाज तू जा, फैसला सुना दे उनको मेरा। वो बिजान मैं आयशा और रौजान से बात कर लूंगा। आयशा कहती है शादी तक करांगी जब रौजान नु सच बदसोगे। फातिमा आंदी रंगीन कपड़े पांदी, चूड़ियां पहनती, कितनी सोहनी लगती। शहनाज फातिमा ने मलक खानदान के मुंह पे दाग लगाया है, हमारे खानदान की इज्जत रो ली है उसने। भूल जा उसे। लकरबाज जा। बता दे उन्हें जाके, वरना फिर रोजान से मुझे खुद बात करनी पड़ेगी। सब खत्म हो गया, सब उलझ सुलझ के मैंने जो मेरी थी फातिमा नहीं ते कुछ भी नहीं। मलिक अरबाज तू भी नहीं बचेगा, तू भी नहीं बचेगा। सब खत्म, सब खत्म हो, कुछ भी नहीं रहे, कुछ भी नहीं। अंदर तू है, बाहर तू।
तेरा दिमाग खराब हो गया ऑफिसर। किसकी इजाजत से तूने उन लोगों को रिहा किया? वो कितना ही बड़ा वकील क्यों ना हो, मेरी मर्जी के खिलाफ ये सब कुछ कैसे हो सकता है? कुछ भी हो, उन लोगों को पकड़ के ला और दोबारा जेल में बंद कर। बात सुन ऑफिसर, मेरी नहीं अपनी फिक्र कर तू अपनी। अगर तुझे अपनी कुर्सी प्यारी है तो कहीं से भी है ढूंढ के ला उसे। बात सुन, उसका नाम और पता भी मुझे चाहिए जिसने इसकी रिहाई करवाई, समझे तू? क्या सोचा यार, क्या करोगे, किधर जाओगे, कुछ तो बताओ। तो कुछ भी करो, कहीं भी जाओ, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। तो मेरे साथ फातिमा थोड़ी होगी। सच में तो मेरा दिल करता है कि मैं भी खुदकुशी कर लूं और मर जाऊं यार। ऐसी बातें नहीं कर यार, हो सकता है वो तुझे देख रही हो और तेरी वजह से तकलीफ में हो। लोग तो ये भी कहते हैं कि मरने वाला तब तक सुकून में नहीं होता जब तक उसका कोई प्यारा दुखी हो। अपने आप को संभाल मेरे दोस्त, फातिमा को मरे 15 दिन हो गए। मुझे तो लगता है ये हमारे साथ जो हादसा हुआ वो कोई हादसा नहीं था, वो बकायदा हमारे साथ कोई साजिश हुई है।